टीकाकरण में 1 जनवरी 2023 से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। क्या हैं बदलाव, आइए जानते हैं। भारत 2011 से पोलियो मुक्त है। इस स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित टीकाकरण में ओरल पोलियो के अलावा FIPV की 2 डोज 6 और 14 सप्ताह पर दी जाती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 से FIPV की 3री डोज 9 माह की आयु पर MR1 टीके के साथ दी जानी है। 6 और 14 सप्ताह के FIPV1 और FIPV2 की तरह ही FIPV3 को भी 0.1 ml इंट्राडर्मल BCG सिरिंज से लेकिन बाईं ऊपरी भुजा पर लगाना होगा। FIPV की किन्हीं भी 2 डोजेस के बीच न्यूनतम 8 सप्ताह का अंतर रखना अनिवार्य है। नियमित रूप से हर बार टीका लगाने के बाद 4 संदेश देना ना भूलें। सर्वे और ड्यू लिस्ट में जो बच्चा MR1 के लिए ड्यू है वही FIPV3 के लिए भी ड्यू होगा। टीकाकरण या MCP कार्ड में FIPV3 की प्रविष्टि MR1 के नीचे दिए गए खाली बॉक्स में अथवा एक बॉक्स बनाकर की जानी है। टैलीशीट में FIPV3 के लिए लकीर खींचकर एक खंड बनाना होगा जब तक नई टैलीशीट प्रिंट होकर नहीं आ जाती। HMIS प्रपत्र में रिपोर्टिंग के लिए MR1 के बाजू में FIPV3 की प्रविष्टि करें। 1 जनवरी 2023 से 9 माह पूर्ण करने वाला हर बच्चा FIPV3 के लिए भी पात्र है। उसे ड्यू लिस्ट में FIPV3 के लिए भी शामिल करें और टीका लगाने के बाद HMIS में रिपोर्टिंग भी करें। याद रहे, टीकाकृत हो हर बच्चा, स्वस्थ भारत का सपना हो सच्चा। बच्चों की जानलेवा बीमारियों को हराएंगे, हम हराएंगे, हम हराएंगे, हाँ।